नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ये। और जैसा कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का ये जो कट ऑफ मैं बताऊंगा, और भी कैटेगरीज वाइज जैसा कि जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड, ये भी चीज़ें जैसा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड हैं, इन सब चीज़ों को हम कट ऑफ बताएंगे और साथ बताएंगे सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो आपको मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि फॉर्म तो देखिए 21 लाख के करीब फॉर्म भरा गया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखे होंगे तो अब्सेंट जो कि बहुत बच्चे हुए थे। किसी का सेंटर मतलब कि कोई किसी का एग्ज़ाम छूट गया है, और किसी का मतलब किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम छूट गया है, जैसा कि उसी दिन एसएससी सीजल का भी एग्ज़ाम था, तो जिससे चलते वहाँ पे बहुत सारे एब्सेंट हुए हैं बच्चे। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो एक क्लासरूम में 24 बच्चों की अनुमति थी, लेकिन आप लोग देखे होंगे तो 16 से 18 ही बच्चे सिर्फ वहाँ पे उपस्थित रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप मांग चल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे। अगर एक क्लासरूम में अगर 4 से 5 बच्चे एब्सेंट होते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने एब्सेंट हुए होंगे, मतलब कि 1 से 1 लाख से ज़्यादा लोग एब्सेंट हुए हैं इस परीक्षा में। अब मैं पूरा ये डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा हैं जो कि एब्सेंट हुए हैं इस परीक्षा में। तो चलिए सब अच्छा ठीक है, हम तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि शिफ्ट वन और शिफ्ट सेकंड के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शिफ्ट फर्स्ट है और शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ये है, ठीक है। देखिए तो दोस्तों जैसा कि मैं एक रेशियो लेकर बता रहा हूँ दोनों शिफ्ट को लेकर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि जनरल और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रहेगा कट ऑफ, वो मांग कर सकते हैं 54 से लेकर 58 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल की। इनके बीच में ही आपका कट ऑफ बनेगी, आप लोग चाहे देख लीजिएगा, 54 से 58 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की। अगर मैं ओबीसी की मैं बात कर लूँ यहीं पर, ओबीसी कैटेगरी जो कि शिफ्ट फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का है, इनका रेशियो लेने के बाद बात करता हूँ, तो आप 52 से 55 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है। सिर्फ 1-2 नंबर का यहाँ पर फर्क देखा जाएगा जनरल और ओबीसी के बीच में, 52 से 55 के बीच ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है। अगर मैं और एससी की मैं बात करूँ, कट ऑफ की बात, तो एससी की कट ऑफ आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी कट ऑफ 46 से लेकर 50 के बीच में आपको एससी कट ऑफ रहने वाली है। 46 से लेकर 50 के बीच में आपकी कट ऑफ एससी की रहने वाली है। अगर मैं वहीं पे एसटी की बात कर लूँ तो आप मांग सकते हैं 45 से लेकर 48 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, या 45 से भी कम हो सकती है एसटी की कट ऑफ, ठीक है। 45 मतलब क्या मांग सकते हैं, 42 से लेकर 48 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है एसटी की कट ऑफ। और मैं जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है जो रहेगी, वो कट ऑफ आप मान चल सकते हैं 38 से लेकर 42 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। 38 से 42 के बीच में आपको जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पे रहने की बात चल रही है। और दोस्तों जो कि फीमेल जो कि लड़कियों को बोल रहे हैं कि उनका कट ऑफ अलग से बनेगा, तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप यूपी टेट सी टेट वगैरह देखेंगे तो सभी कट ऑफ कम्बाइंड मतलब एक साथ ही कट ऑफ बनती है, जैसा कि यूपी टेट सी टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ओबीसी एससी एसटी का 82 नंबर पे और जनरल का 90 नंबर पे, यहाँ पे कट ऑफ बनती है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे मेल फीमेल में कोई मतलब लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं देखा जाएगा, सबका एक समान ही यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो होगा इसमें आपको 8 से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर भी मिल सकते हैं, वो आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर किस आधार पर था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ में एक्यूरेसी भी देखी जाएगी, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन गलत हैं, इस आधार पे आपको यहाँ से अगर आपके अच्छे एक्यूरेसी रही तो आपको यहाँ पे 15 नंबर भी 20 नंबर भी मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप मान के चलेंगे कुछ ना कुछ नंबर तो यहाँ पे आपको ज़रूर बढ़ेगा, मतलब कि 4 से लेकर 6 नंबर 8 नंबर ये कॉमन नंबर सबको ही मिलना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन और जिसका अच्छा एक्यूरेसी रहेगा उसको अच्छे नंबर पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।